वैदिक साधना जूनागढ़ अध्यात्म केंद्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मेष राशि वालों, प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि उनका भी जीवन सुख समृद्धि से भरपूर रहे, कार्य के दम पर वह सौभाग्य की प्राप्ति करे, लेकिन कई बार उनके कार्य जटिल और श्रमसाध्य हो जाते हैं क्योंकि उन्हें किस्मत का सहयोग नहीं मिल पाता। हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए जीवन में एकाग्रता, विश्वास, श्रद्धा परम आवश्यक है, लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य है जिनकी तरफ मनुष्य का ध्यान कम ही जाता है। वह होते हैं कुंडली में बन रहे शुभ अशुभ योग, और यह परम सत्य है। मेष राशि वालों, मई महीने में ऐसा तो क्या होगा, क्या परिस्थितियां बनेगी जिसके चलते हम कहेंगे आपके जीवन में सुख समृद्धि के द्वार खुल रहे हैं? क्या मई महीने में बहुत ही कष्ट समाप्त होगी? क्या महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी? क्या समस्त कष्टों से मुक्ति मिलेगी? क्या कहता है आपका भाग्य? इनके बारे में आज मैं वैदिक ज्योतिष के माध्यम से मई 2023 का मासिक राशिफल बताने वाला हूँ, इसीलिए वीडियो को ध्यान से सुनिए और समझिएगा भी। वैसे भी आपके राशि स्वामी मंगल ग्रह लग्नेश होकर पराक्रम भाव में उपस्थित रहेंगे। धन प्रेम सुख के कारक शुक्र ग्रह सुख भाव में उपस्थित रहेंगे। शनि लाभ भाव में, गुरु बुध और राहु देह भाव में, सूर्य आपके धन के भाव में, और यही स्थिति आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आएगी। वैसे तो मेरी हर एक भविष्यवाणी सच होती है, लेकिन पिछले वीडियो में मैंने भूकंप और दिल्ली की राजनीति को लेकर जो भविष्यवाणी की थी वह भी 100% सही साबित हुई है। यकीन के लिए आप ऊपर क्लिक करके वीडियो देख भी सकते हैं। तो आइए जानते हैं मेष राशिफल मई 2023। मेष राशिफल 2023 के अनुसार मई 2023 आपके लिए एक व्यस्त और रोमांचक महीना बन जाएगा। इस महीने आपको अपने करियर या व्यवसाय में वृद्धि के कई अवसर मिलेंगे। प्रेम जीवन और दाम्पत्य जीवन भी महत्वपूर्ण रहेगा। आपकी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प रंग लाएगा और आपको अपने प्रयासों के फल स्वरूप धन और शोहरत हासिल होंगी। और वैसे भी 2 मई से धन और प्रेम के कारक शुक्र आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव में यानी कि सुख के भाव में पहुंचेंगे, तो वह कार्यों में नई जान डालेंगे। जो लंबे वक्त से कार्य क्षेत्र में संघर्ष कर रहे थे उन्हें सफलता मिलेगी। यदि आप लेखन कला से जुड़े हुए हैं तो आपकी किस्मत बदलेगी। जो फैशन और ग्लैमर के फिल्म से जुड़े हैं उन्हें दिन में सितारे नजर आएंगे। परिवार की मदद मिलेगी। किसी अनजान पुरुष या फिर पुरुष मित्र के माध्यम से आपको कार्य प्राप्त होगी। मेष राशि वालों, मई महीने में मुख्य 3 बदलाव होंगे जिसे आप परिवर्तन समझे या फिर आप बदलाव समझे या फिर खुशखबरी समझे, वह आपके जीवन में 100% हो सकते हैं। इनके बारे में मैं बारी बारी से जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो को जरा ध्यान से सुनिएगा। मई महीने में गुरु की दृष्टि चौथे भाव पर आएगी जिसके कारण प्रथम लाभ अपनों के सहयोग व नए कार्य की शुरुआत के रूप में मिल सकते हैं। और वैसे भी 1 से 31 मई का समय नई परियोजनाओं या साझेदारियों को लेने के लिए बहुत ही शुभ समय है, जो आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए बेहद जरूरी भी है। जो स्वतंत्र रूप से व्यवसाय चला रहे हैं तो आप आय में वृद्धि या वित्तीय स्थिरता का अनुभव भी करेंगे। यदि आप आयात निर्यात के क्षेत्र से जुड़े हैं, ई कॉमर्स क्षेत्र से संबंध रखते हैं, तो आपके दुख के दिन अब समाप्त हो रहे हैं। संतान के कार्यों में धन की वृद्धि होगी। शेयर बाजार में बढ़िया मुनाफा होगा। पिता और गुरु के माध्यम से भी नया काम मिलेगा। लेकिन मई के महीने में आपको सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य के लिए अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचाएं। मेष राशि वालों, आपका स्वामी ग्रह मंगल ग्रह बेहद अनुकूल स्थिति में है, जिससे दूसरा बदलाव आपके कर्म क्षेत्र, आपकी नौकरी और आपके जीवन में देखने को मिलेगा। क्योंकि लग्नेश मंगल आपको अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौतियों से निपटने के लिए ऊर्जा और प्रेरणा देता है, भाग्य में वृद्धि करवाता है, जिसके प्रभाव से आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही प्रकार का निखार आता है। भाग्य की सहायता से आपको नई नौकरी प्राप्त होती है। 15 मई से नौकरी के कारक सूर्य भी आपके धन भाव में पहुंचेंगे,
जिसके प्रभाव से इस समय सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातक सफल होगी, लाभ मिलेगा। जो सरकारी क्षेत्र से संबंध रखते हैं उन्हें धन और आकस्मिक तरीके से बड़ा लाभ होगा। जो अच्छे पदों पर विराजमान है उन्हें प्रमोशन के अवसर प्राप्त होंगे। जिनके कार्य सरकार में लंबित है उनके कार्य आगे बढ़ेंगे। सरकार के निर्णयों के चलते आपके अधूरे सपने भी पूर्ण होंगे। और विदेश भाव के स्वामी लग्न में होने से आपको विदेश यात्राओं का भी सुख मई के मध्य में प्राप्त होगा। गुरु यहां आपको दो तरीके से लाभ देंगे। एक तो विदेश में चल रहे कारोबार को दो गुना अधिक बढ़ा देंगे, तो जो नौकरी से वंचित है या फिर अच्छी नौकरी की तलाश में है उन्हें बड़ा अवसर प्रदान करेंगे। हालांकि 12 मई से लेकर 26 मई के बीच विद्यार्थियों के लिए समय कठिन होगा। व्यापारिक मित्रों को गुप्त शत्रु से सावधान रहना होगा या फिर नौकरी में आपके बॉस या अधिकारी के साथ आपका झगड़ा भी हो सकता है, इसलिए यह समय थोड़ा संभल कर रहना होगा। जैसे ही 15 मई से बुध ग्रह मार्गी होगी तो वह लगातार धन की आवक आपको प्रदान करेंगे। लगाए हुए पैसे निवेश किए हुए धन से मुनाफा देंगे। जमीन मकान प्रॉपर्टी खरीदने के अवसर देंगे। जो रसायन शास्त्र धातु से संबंधित व्यापार, गृह निर्माण, किराना व्यापार, विवाह से संबंधित व्यापार, खाद्य पदार्थ से संबंध रखते हैं तो आपकी किस्मत बदलना तय है। दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में मंगल शुभ भाव में होंगे, शुभ ग्रहों के दृष्ट होंगे, कोई पाप ग्रहों की युति नहीं बन रही होगी तो यह सारे लाभ अवश्य मिलेंगे। मेष राशि वालों, तीसरा बदलाव आपके प्रेम दाम्पत्य जीवन को लेकर हो रहा है, क्योंकि मेष राशि वालों के लिए मई 2023 रोमांटिक विकास का महीना बनने वाला है। यदि आप एक प्रतिबद्ध रिश्ते में हैं तो आप पाएंगे कि आपके साथी के साथ आपका संबंध गहरा हो रहा है और आप शादी को लेकर भी बड़ा निर्णय करेंगे। यदि आप अकेले हैं तो आप किसी ऐसे नए व्यक्ति से मिल सकते हैं जो आपके जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। हालांकि यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी भावनाओं और इरादों के बारे में अपने साथी से खुले तौर पर और ईमानदारी से संवाद करें, क्योंकि मई 2023 कनेक्शन और नेटवर्किंग का समय है। यदि आप नए अनुभवों और अवसरों के लिए खुद को तैयार करते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव जरूर आ सकते हैं। कुल मिलाकर मई 2023 मेष राशि वालों के लिए वृद्धि और संभावनाओं का महीना है। आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके, दूसरों के साथ खुलकर संवाद करके और खुद का ख्याल रखते हुए आप इस ऊर्जावान और रोमांचक महीने का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं। आप देख रहे थे मेष राशि फल मई 2023। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।